पसंद आ रहा है। एक्सिस बैंक से आपने शुरुआत किया, अब बताइए एक तो बैंकिंग हो गया, निश्चित तौर पर कोई एनबीएफसी भी होगा, वो शेयर कौन सा आपके पोर्टफोलियो में? तो फाइनेंशियल में भी तीनों वैरायटी है, इनफैक्ट अभिषेक आपने सही पकड़ा। और एक्सिस बैंक काफी लार्ज कैप हो गया था पहले वाला, और दूसरा आप इसको मैं लार्ज कैप में जोड़ूंगा, लेकिन हाँ आज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्ज कैप ही है, ये है जियो फाइनेंशियल सर्विसेस। अब देखिए ब्लैक रॉक से उनका टाई अप हो चुका है, और अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले की बात है कि जो पेमेंट्स कॉर्पोरेशन है वहां से एग्रीगेटर का लाइसेंस भी इनको मिल गया है। रिलायंस का बैकिंग है कंपनी में, हाल मतलब बहुत ज्यादा पुराना शहर नहीं है, समझ लीजिए 1.5-2 साल पुराना ही शहर है ये, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में आपको अगले साल भर में ये 400 से 450 तक भी आपको दिखा सकता है, पॉसिबिलिटी है। आगे चल के क्या होने वाला है, जो ब्लैक रॉक टाइप है ये पहले तो एएमसी बिजनेस में घुसेंगे, और मुझे लगता है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका फायदा सबसे ज्यादा उठाने वाले, और जो जियो कस्टमर बेस है, मोबाइल का कस्टमर बेस है, वो एक इनके लिए रेडीली अवेलेबल मार्केट समझ लिए बेस। और उसके अलावा जो रिटेल रिलायंस रिटेल है, आज जो बजाज फाइनेंस कर रहा है, बजाज फाइनेंस का वैल्यूएशन इसके मुकाबले बहुत ज्यादा है, आज जो बजाज फाइनेंस कर रहा है ये हर रिलायंस डिजिटल स्टोर में आराम से रोल ओवर करते हुए आपको फ्यूचर में दिखेगा। तो बैकग्राउंड में काफी काम चल रहे हैं, मुझे लगता है कि एक सॉलिड स्टॉक हो सकता है विद डाउनसाइड मिनिमल, और अपसाइड आपको अच्छा खासा मिल सकता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए इन्होंने जेवी कर लिया है, ब्लैक रॉक के साथ जेवी कंपनी बना ली है, और इसके अलावा एक और इनके लिए खबर आई थी कि आरबीआई से इनको ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए भी अप्रूवल मिल गई है, तो कुछ कुछ अच्छी चीजें निकल के आ रही है। अच्छा देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग केस है जियो फाइनेंशियल का, ये रिलायंस से ही अलग हुई ये कंपनी है, उसका भाव आया था 260 रुपए के आसपास जहां तक मुझे याद है, और 2,00,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, और अभी अगर हम रियल बिजनेस की बात करें तो वो प्लान वाले स्टेज में है, अभी शुरू नहीं हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि रिलायंस की पेरेंटेज है, रिलायंस का कस्टमर बेस है रिटेल वाले और तमाम आम से उनके, तो निश्चित तौर पर पोटेंशियल ह्यूज है। एक साल के लिए 400 रुपए का, ये बहुत ही कह सकते हैं ना कि साधारण सा टारगेट आपको बता रहे हैं विवेक जी, ऐसा नहीं कि कोई अग्रेसिव टारगेट हो, ये 21% का ही रिटर्न पोटेंशियल, और अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आगे ना जाने कौन सी पिक्चर ये दिखाएगा, तो दिवाली में एक और रॉकेट ये उड़ने के लिए तैयार है, आप इसको लपक लीजिए।